कार डैशबोर्ड मीटर में अगर ये लाइट जलता है तो ये हैंड ब्रेक लगा होगा तभी ये लाइट जलेगा, या फिर ब्रेक ऑयल लेवल लो होगा तो ये लाइट जलेगा। तो इसके बारे में वीडियो आज का। है फ्रेंड्स, मैं मयूर पटेल, मयूर मोटर्स बायर गुजरात इंडिया, और ये हुंडई ईयोन गाड़ी है पेट्रोल, और यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट है फ्रेंड्स, और फिर भी यहाँ पे ब्रेक और हैंड ब्रेक का जो लाइट रहता है ब्रेक ऑयल का वो शो कर रहा है। तो इस गाड़ी के अंदर सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि हैंड ब्रेक लगा हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये हैंड ब्रेक लगा हुआ है और ये डाउन है, फिर भी यहाँ पे लाइट शो कर रहा है। तो इसका मतलब हमें आगे ब्रेक ऑयल चेक करना जरूरी है फ्रेंड्स। गाड़ी अभी स्टार्ट है, करते हैं ऑफ। इग्निशन ऑन पे सभी लाइट आने चाहिए, गाड़ी स्टार्ट करने पे सभी लाइट चले जाने चाहिए। या हैंड ब्रेक लगा होगा तो ये ब्रेक लाइट आएगा, या ब्रेक ऑयल ख़त्म हो गया तो ये लाइट आएगा। तो हैंड ब्रेक उतार दिया गया है फ्रेंड्स, फिर भी लाइट है। इंजन करते ऑफ, और बोनेट खोलते हैं और चेक करते आगे क्या है। तो फ्रेंड्स, ईयोन का बोनेट ओपन कर दिया है। ये ब्रेक ऑयल का डब्बा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे खाली है, मैक्सिमम यहाँ पे और ये मिनिमम है। तो ऑयल इसका ख़त्म हो गया है, ऑयल है ही नहीं इसके अंदर, यहाँ तक है ऑयल जो यहाँ तक होना चाहिए। और ये ऑयल ख़त्म होने के सारे बहुत सारे रीज़न होते हैं फ्रेंड्स। एक तो सबसे पहले लाइट तभी आता है जब हैंड ब्रेक लगा हो, हैंड ब्रेक उतार दिया फिर भी लाइट नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले ब्रेक ऑयल चेक करना है। और ब्रेक ऑयल ख़त्म होने के रीज़न बहुत है, उनमें से एक है उसके ब्रेक पर या लाइनर ख़त्म हो जाते तब डाउन होता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता है ब्रेक ऑयल। और वहाँ पीछे की जो व्हील सिलेंडर है वो लीकेज होता है कुछ समय के बाद, तभी ये होता है। तो पीछे का व्हील भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैंने जैक पे लगा दिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ऑयल दिखाई दे रहा है, तो ये लीकेज हो गया है सिलेंडर। ये पूरा, तो ये खोल के चेक करने वाले हैं, सिलेंडर चेंज करेंगे, शायद लीकेज ही है, और इस तरीके से होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ईयोन का लेफ्ट साइड का व्हील सिलेंडर चेंज करने वाले हैं, ब्रेक ऑयल यहीं से ख़त्म हो गया है फ्रेंड्स। तो व्हील खोल दो, ड्रम निकाल लिया है फ्रेंड्स बाहर, आप देख सकते हो पूरा ऑयल है यहाँ पे, ये पूरा ऑयल है, ये भी पूरा ऑयल है फ्रेंड्स। तो ये भी टूटा हुआ है, डस्ट कवर है, लेकिन जो प्रॉब्लम है इसके अंदर जो सील होते हैं पिस्टन के, वहीं से लीकेज हो जाती है, और ये डस्ट कवर भी चले गए हैं। तो ये सिलेंडर पूरा चेंज करने वाला है, तो ये पूरा ऑयल को क्लीन करेंगे पानी से, और बाद में न्यू इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे हम सबसे पहले ये पाइप और दो बोल्ट खोलने रहेंगे, और न्यू वाला KBX का लेके आए हम, इस तरीके का रहता है, ये फिट करने वाला है। न्यू व्हील सिलेंडर इंस्टॉल हो गया है फ्रेंड्स, और उसके पीछे एक एयर निकालने के निप्पल है, और ये ब्रेक ऑयल की जो पाइप आती है अगर मास्टर से वही है, और दो बोल्ट रहते हैं 10 के, एक और दूसरा इधर, तो वो फिटिंग करना रहता है। तो फिट हो गया, उसके बाद पानी से वॉश कर लिया है, क्लीन करके पहुँच के उसको फिट कर देंगे ड्रम को भी। और ये पुराना सिलेंडर है, इस तरीके से रहता है फ्रेंड्स, दो बोल्ट रहते हैं 10 के, 11 की पाइप और 10 का निप्पल, और सिलेंडर के अंदर इस तरीके का स्प्रिंग रहता है एक, और ये पिस्टन रहता है, पिस्टन पे रबड़ की रिंग रहती है, तो ये मूव करता है जब ऑयल यहाँ से प्रेशर आता है ऑयल का, तो ये ओपन होता है, फिटिंग हो जाता है। तो ये ख़राब हो गया है फ्रेंड्स, इसकी वजह से यहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा था, तो ये चेंज कर दिया, तो अब यहाँ से ऑयल लीकेज नहीं होगा। अब करते इसको फिटिंग। तो फ्रेंड्स, व्हील सिलेंडर इंस्टॉल हो गया है, एयर भी निकाल लिया है हमने, अब ब्रेक चेक करते हैं। लगाओ ब्रेक, छोड़ दो, लगाओ हैंड ब्रेक, उतारो पगे से ब्रेक लगाओ। ओके, तो आगे ब्रेक ऑयल भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने टॉप अप किया है ब्रेक ऑयल, तो यहाँ मैक्सिमम तो होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी के अंदर ब्रेक ऑयल कम होगा तो भी अंदर लाइट दिखाएगा, और हैंड ब्रेक लगाया होगा तो भी दिखाएगा। अगर हैंड ब्रेक डाउन करने के बाद भी दिखाता है तो आप ब्रेक ऑयल चेक करें, और ब्रेक ऑयल बार बार ख़त्म हो जाता है तो आप व्हील सिलेंडर न्यू डलवा सकते हो, या ब्रेक लाइन चेक करवा सकते हो, यहीं कहीं से ब्रेक ऑयल लीकेज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मयूर मोटर्स चैनल, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आपको मैं दिखाता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, सभी लाइटें यहाँ पे जल रही है, इग्निशन ऑन है, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सभी लाइट चली गई है, EPS का था वो भी चला गया है, यहाँ पे हैंड ब्रेक तो डाउन ही है, और जो आगे का लाइट आता है ब्रेक ऑयल ख़त्म होने का सिग्नल, वो भी लाइट चला गया है। मैं हैंड ब्रेक को खींचता हूँ,
तो यहाँ पे लाइट जल गया है फ्रेंड्स। तो हैंड ब्रेक जब लगा होगा तभी ये लाइट जलेगा, या फिर ब्रेक ऑयल ख़त्म हो जाएगा तभी ये लाइट जलेगा। तो ब्रेक ऑयल ख़त्म होने के बहुत सारे रीज़न है, मास्टर सिलेंडर लीकेज, पाइप लीकेज और सबसे ज़्यादा ब्रेक सिलेंडर लीकेज। तो ब्रेक सिलेंडर लीकेज था हुंडई ईयोन के अंदर, तो हमने रिप्लेस किया और लाइट भी ये चला गया है। अभी डाउन करते हैं हैंड ब्रेक को, आप देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट है और कोई भी लाइट नहीं है मीटर में।